50 केजी का ट्रायल होते हुए 176 की जर्सी के अंदर रेडर बहुत ही शानदार अपना दिखाते हुए और 6-6 डिफेंस बहुत ही शानदार। क्या रेडर अपने डिफेंस में रेड निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन स्टेप के साथ चलते हुए, बहुत ही बढ़िया ब्लॉक के साथ कॉर्नर और रेडर बाहर का रास्ता दिखाते हुए बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन टैकल के साथ रेडर आउट। इनका बोले यहाँ खड़ा रहेंगे। तो हमारे साथ किशन भाई जुड़ चुके हैं। किशन भाई आपको क्या लगता है ये रेडर फिर दोबारा से रेड पॉइंट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? तो फुटवर्क के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि तो रेडर किशन भाई आप अपना अनुमान बताओ ये निकाल सकते हैं? भाई मेरे को नहीं लगता ये फुटवर्क अपना दिखा तो अच्छा रहा है क्या पता। भाई बहुत अच्छा फुटवर्क है इसका तो रनिंग की बहुत अच्छा प्रयास स्लीप ज़्यादा खोल रहा है भाई टैकल इसका कहते हैं सही कहा किशन भाई आपने बहुत ही शानदार डिफेंस भाई हम सही बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रेडर क्या पॉइंट निकाल पाता है कि नहीं। भाई मेरे को लगता है डिफेंस बहुत ज्यादा टाइट है। हाँ वो तो भाई भाई रेडर चल तो चुका है मेरे को नहीं लगता है रेडर पॉइंट निकाल पाएगा। भाई डिफेंस बहुत तगड़ा है लेकिन क्या शानदार शानदार पॉइंट निकाला रेडर ने भाई। तो यहाँ पर लापरवाही किस चीज की है किशन भाई क्या बताना चाहोगे आप? कॉर्नर ने लापरवाही की है एडवांस टैकल की फिर दोबारा से वही रेडर। तो किशन भाई क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? भाई रेडर की फुर्ती तो अच्छी है लेकिन डिफेंस भी टाइट है। अच्छा तो आपका कहने का मतलब ये है कि डिफेंस में पॉइंट का बहुत ही शानदार डुबकी का प्रयास करते हुए रेडर पर आउट होते कॉम्बिनेशन टैकल प्रदीप नरवाल की याद दिला दी उन्होंने। पर आज प्रदीप नरवाल की तरह ये सक्सेस डुबकी नहीं लगा पाए भाई। चलते अगला रेडर क्या करता है? भाई रेडर का फुटवर्क थोड़ा ढीला है परंतु स्टेप अच्छे है बंदे के। किशन भाई किसकी गलती क्या डिफेंस गलती करेगा मेरे को लगता है इस बार भी। क्या ये रेडर पॉइंट निकाल पाएगा? बहुत ही शानदार ये डिफेंस को गलती करवाने में मजबूर कर रहा है रेडर। तो यहाँ आप किसकी गलती मानोगे रेडर की या फिर डिफेंस की गलती है क्योंकि डिफेंस टाइट होते हुए भी रेडर को पॉइंट दे रहा है गलतियां कर रहा है। फिर दोबारा से रेडर पे चले हैं भाई ने स्पीड बढ़ाई है अब धीरे धीरे बहुत अच्छा खेल रहा है डिफेंस को तोड़ने का प्रयास भी टू टच का प्रयास पर नहीं बहुत ही बढ़िया जंप ले रेडर आउट है रेडर आउट नाकाम रहे। फिर दोबारा से फुर्तीदार रेडर जनरेटर इसका न्यू नाम हमने टेक दिया दोस्तों। भाई रेडर की फुर्ती तो अच्छी है लेकिन डिफेंस इसे फंसा लेता है दादा जनरेटर नाम तोड़ नहीं पाता है दादा जनरेटर आज से इसका नाम देखना अभी ऑयल की तरह बहुत ही बढ़िया टू टच का प्रयास नाकाम रहे भाई साहब। डिफेंस को तोड़ने का प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेरे को नहीं लगता ये डिफेंस तोड़ पाएंगे। वाह भाई वाह हाई फ्लायर गया दिला दी उन्होंने तो दूसरी ओर से चल पड़े है रेडर। ये स्टेप हल्के है परंतु ये डिफेंस को अपने पॉइंट लेने में मजबूर कर देते डिफेंस को तोड़ देते हैं भाई। फिर से टच मारा भाई रनिंग हैंड टच शानदार फिर दोबारा से जंपर चल पड़े हैं। तो दादा बताइए इस बार क्या पॉइंट निकलेगा जनरेटर अब की बार भी चलेगा मेरे को लगता है ये बंदा इसकी फुर्ती बहुत अच्छी है जनरेटर के अंदर ऑयल डालती है दोस्तों तो ये जनरेटर अब काम करेगा गा गा दोस्तों ले गया। फिर दोबारा से रह चुका है डिफेंस बहुत ही ज्यादा टाइट है पर हमारा रेडर ये भाई इस रेडर की एक ही कमी है डिफेंस को तोड़ नहीं पाता है अपने स्टेप से भाई की फिर से एक बार खाली रेड फिर दोबारा से रेडर चढ़ते हुए क्या डिफेंस को जर्सी नंबर टू टच का प्रयास कवर की गलती बहुत ही गलती इस बंदे की रेडर की ये खासियत लगी मेरे को ये रेडर डिफेंडर को मजबूर कर देता है पॉइंट देने में। फिर दोबारा से जनरेटर चलते हुए जनरेटर
दादा इसमें लगता दोबारा वही डालना पड़ेगा जब तक नंबर भाई स्टेप दे अपना डिफेंस नहीं तोड़ पाते ये बहुत अच्छा जंप भाई बीच में से टच मारा फुर्ती अच्छी है लेकिन ये डिफेंस तोड़ नहीं पाते ये बंदा इसकी ये खासियत है स्टेप हल्के है परंतु स्टेप बहुत अच्छे है डिफेंस को तोड़ देता मजबूर हो जाता है डिफेंस टूटने में बगली मारने के प्रयास करी थी दोस्तों सोलो टैकल पर इनका इस तरीके से दोस्त बगली नहीं लगती कभी भी लो जी जनरेटर हमारा फिर दोबारा जाते हुए जनरेटर में फिर दोबारा ऑयल भरते हुए इस बंदे के स्टेप अच्छे है लेकिन ये डिफेंस को तोड़ नहीं पाता है भाई शानदार रनिंग एंड टच का प्रयास किया लेकिन स्लिप हो गए रेडर फिर दोबारा ये लो चैन में फंस गए भाई रेडर आउट जीते गए सर क्या बोल रहे आज दे रहे 370 और 1060 प्लस रेडर चलिए भाई रेडर चल पड़े फिर दोबारा से नंबर 80 से टू टच का प्रयास करते हुए रेडर फिर दोबारा से क्या ये ब्लॉक का और भाई बाहर का रास्ता दिखा दिया शानदार ब्लॉक दोस्तों 1011 क्योंकि ये इनकी स्पीड बहुत अच्छी है डिफेंस को तोड़ तो नहीं पाते लेकिन पॉइंट अपना बटोर लेते हैं अपनी स्पीड के कारण तो किशन भाई क्या कहना चाहोगे इस रेडर के बारे में कुछ पॉइंट निकालेगा भाई बेशक शानदार टच पॉइंट नहीं है कोशिश की लेकिन फिर से आउट टर्न लेके रेडर निकले 1011 जर्सी नंबर फिर से रेड पर अपने हल्के कदमों से डिफेंडर को परख रहे हैं भाई ये डिफेंस भी कम नहीं है हल्के में ना लें इनको असलम इनामदार की याद दिला दी दोस्त इन्होंने बहुत वो भी इसी लेकिन असलम इस रेड में पता नहीं क्यों धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं फिर दोबारा से रेडर अपने रेड को प्रयास करते हुए क्या रेडर फिर दोबारा से पॉइंट निकल पाएंगे दोस्तों दोनों के दोनों कॉर्नर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव खेलते हुए कवर के साथ सपोर्ट मिलेगा तो ये टैकल जरूर बनेगा दोस्तों रेडर के फुटवर्क देखिए बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही सिंगल थाई होल्ड के साथ 3 पॉइंट नहीं कर पाए डिफेंडर थाई होल्ड वाले तो इसकी किसकी लापरवाही है दोस्ती भाई लापरवाही कॉर्नर की है एडवांस टैकल ज्यादा किया वॉक लाइन से भी बाहर करने की कोशिश की जर्सी के अंदर फिर दोबारा से जंपर 1011 नंबर जर्सी दोस्त इनके फुटवर्क रुक चुके हैं फंस गए डिफेंडर के जाल में बहुत अच्छे कवर ने डाई मारी बंद कर